गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑन चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वन नंबर से। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अगर बात करें भारत की सर्वोच्च चोटी की तो वो है K2, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी। यह उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। आगे देखेंगे सेकंड नंबर। पश्चिमी घाट है, इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट एक भ्रष्ट कागार है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी किनारे पर 1600 किलोमीटर लंबी यह पर्वत है। विश्व में यह जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं इस दृष्टि से इसका विश्व में 8वां स्थान है। पश्चिम घाट पर्वत गुजरात एवं महाराष्ट्र के सीमा से शुरू होती है एवं कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर। निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है, इसका सही आंसर होगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ती है तथा बनिहाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। आगे बात करें फोर्थ नंबर की। केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। आगे देखेंगे बैरन द्वीप अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका उद्गार सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में हुई थी। सिक्स नंबर देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसका सही आंसर होगा भील जनजाति। 2011 की जनगणना से पहले भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, जबकि 2011 के जनगणना के बाद भील जनजाति सबसे बड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से बद्रीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इसका सही आंसर होगा अलकनंदा, जबकि केदारनाथ के प्रसिद्ध मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, भागीरथी नहीं, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाकर के मिलती है तथा यहाँ से नाम इसका गंगा हो जाता है। आगे देखेंगे त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, इसका सही आंसर होगा गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है एवं बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। आगे देखेंगे नाइन नंबर। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, इसका सही आंसर होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील दूसरी बड़ी खारी पानी वाली झील है। यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। कोलेरू आंध्र प्रदेश की है तथा लोनार महाराष्ट्र की है। आगे देखेंगे तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, इसका सही आंसर होगा नवंबर दिसंबर।
तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यह मुख्यतः तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में सक्रिय होता है। 11 नंबर देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान स्थापित है, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। 1875 ईस्वी में नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, इसका सही आंसर होगा कछारी मिट्टी। देश के लगभग 40% भागों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। काले मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण होता है। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष मुख्यतः पश्चिम हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जबकि चीड़ वृक्ष की बात करें तो यह 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे देखेंगे, 14 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इसका सही आंसर होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज के निकट ही ब्यास एवं सतलज नदी का संगम होता है। इंदिरा गांधी नहर का लंबाई 649 किलोमीटर है तथा इससे मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान का सिंचाई किया जाता है। 15 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, इसका सही आंसर होगा दार्जिलिंग। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी, जबकि दूसरी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1909 ईस्वी में शिव समुद्रम में हुई थी। यह कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे, 16 नंबर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इंद्रधनुषीय क्रांति के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति सभी शामिल है। आगे देखेंगे, 17 नंबर, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्में है, इसका सही आंसर होगा चाय की। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कॉफी की उत्पादन कर्नाटक में होता है तथा भारत में विश्व का मात्र 2% उत्पादन कॉफी का किया जाता है। 18 नंबर, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। जूट उद्योग के लिए मुख्य रूप से काप एवं दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, 19 नंबर, निम्न में से किस राज्य में टीन आयास का प्रमुख भंडार है, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां टीन का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे, 20 नंबर, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का 80% लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे, नून माटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा असम। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा।
आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। भारत में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से अकेले खंभात की खाड़ी में ही 7000 मेगावाट उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा खंभात की खाड़ी। आगे देखेंगे 24 नंबर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर होगा कानपुर। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगर बात करें विशाखापट्टनम का, तो यह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है एवं कांडला गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन से राज्य? सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में संसार का 20% कपास उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन मात्र यहाँ 9% ही उत्पादन किया जाता है, जिसमें अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। आगे देखेंगे, हीरा कुंड बांध तैयार किया गया है? इसका सही आंसर होगा हीरा कुंड बांध महानदी पर, महानदी का बांध है यह। विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई 4801 मीटर है एवं ऊंचाई 61 मीटर है। आगे देखेंगे 28 नंबर, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मींस कौन से राज्य में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में 86.99% वन है तथा दूसरे नंबर पे है नागालैंड एवं तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे 29 नंबर, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से का नाम है, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी के नाम से श्रीलंका जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एंड लास्ट आज के क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा प्रबाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में लक्षद्वीप प्रबाल द्वीपों का एक समूह है। इस पे मात्र 10 द्वीप ऐसे हैं जिस पे लोग निवास करते हैं। 1956 ईस्वी में लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा प्रबाल उत्पत्ति का द्वीप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।